कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, आज जानेंगे खासतौर से बुलेट के बाजार में आज क्या रेट देखा जा रहा है, कुछ मंडियों में बुलेट की आज क्या कीमतें चल रही है, विस्तार से इस बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारे साथ अब खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। कल मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट इंगट में देखी गई कि इंगट का लेवल 45,000 रुपए तक पहुंच चुका था। मार्केट में आज इसमें हल्की सी रिकवरी आई है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। 100 से लेकर 200 रुपए तक की मामूली बढ़त इंगट में आज दर्ज करी गई है। हालांकि इंगट का लेवल अभी भी 45,000 के स्तर पर ही टिका हुआ है। बात करते हैं रेट के बारे में। बुलेट का रेट मंडी गोविंदगढ़ में 45,000 है। दुर्गापुर कीमतें 41,600, रायगढ़ का रेट 42,000, रायपुर कीमतें 42,500, कोलकाता का रेट 42,300 रुपए देखा गया, जयपुर कीमतें 43,400 रुपए, मुजफ्फरनगर का रेट 44,400 रुपए रहा है, मुंबई कीमतें 44,700 है, गाजियाबाद कीमतें 44,400 रुपए आप मार्केट में देख सकते हैं। इसके अलावा लुधियाना की जो कीमतें हैं बाजारों में वो 45,000 है। बात करते हैं इसके अलावा मंडी गोविंदगढ़ के बारे में, तो एमएस इंगट का जो रेट है बाजारों में वो 45,200 रुपए तक की यहां पर बाजारों में हल्की सी रिकवरी दर्ज करी गई है। एमएस क्रिप की कीमतें 34,000 चल रही है। ओवरऑल ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त दर्ज नहीं करी गई है। अगर बाजार सस्टेन करता है इस लेवल पर तो आने वाले समय में हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, जिसका असर आपको इंगट को, इंगट के साथ साथ इंगट के जितने ही प्रोडक्ट हैं और साथ ही बिलेट पर भी आपको उस चीज का असर देखने को मिलेगा। रेट काफी अच्छा है, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अब यहाँ से गिरावट पर खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।